हेलो, वेलकम टू ऑल। आज का टॉपिक है माय लास्ट टचेस। ये पोयम कंपोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। अगर आपको इस पोयम की हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको यह क्विज टेलीग्राम पर अटैम्प्ट करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय लास्ट टचेस इज कम्पोज्ड बाय। माय लास्ट टचेस पोयम किसने कंपोज की थी? रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट सथे, रॉबर्ट ब्रीथ्स, नन ऑफ दीज। तो ये पोयम कंपोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। वट काइंड ऑफ पोइट इज ब्राउनिंग? ब्राउनिंग किस तरह के जो है पोइट है? वो एक पैसिमिस्टिक थे, रियलिस्टिक थे, ऑप्टिमिस्टिक थे, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो ब्राउनिंग थे वो ऑप्टिमिस्टिक थे, वो एक आशावादी पोइट थे। ब्राउनिंग्स मोस्ट ऑफ द पोएम्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे वो किसके लिए फेमस थे? वो ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने के लिए फेमस थे, और उनकी मोस्टली जो पोएम थी वो ड्रामेटिक मोनोलॉग ही थी। तो इसका आंसर होगा ड्रामेटिक मोनोलॉग। माय लास्ट टचेस वाज पब्लिश्ड इन। माय लास्ट टचेस कब पब्लिश हुई थी? जो माय लास्ट टचेस पोएम है ये तीन बार पब्लिश हुई थी, और फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुई थी 1842 में। माई लास्ट टचेस इज पब्लिश इन द बुक। और फर्स्ट टाइम जब ये पब्लिश हुई थी तो ये कौन सी बुक में पब्लिश हुई थी? ड्रामेटिक थिएटर, ड्रामेटिक लिरिक्स, ड्रामेटिक टेक्निक, या नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट टाइम ये जब पब्लिश हुई थी तो ये ड्रामेटिक लिरिक्स में पब्लिश हुई थी। माई लास्ट टचेस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। माई लास्ट टचेस किस फॉर्म में लिखी गई है? लिरिक, एलजी, ओड, या ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो इसका आंसर है ड्रामेटिक मोनोलॉग। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन द पोयम? इस पोयम में टोटल कितनी लाइन्स हैं? 46, 56, 66 या 76? तो इस पोयम में लाइन है 56। हाउ मैनी राइमिंग कपलेट्स आर इन दिस पोयम? इस पोयम में कितनी राइमिंग कपलेट्स हैं? तो 28 राइमिंग कपलेट्स हैं इस पोयम में, और टोटल 56 लाइन्स हैं। द पोयम इज रिटन इन। यह पोयम किस में लिखी गई है? हीरोइक कपलेट, टर्जा रीमा, बोथ, ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो दिस पोयम इज रिटन इन हीरोइक कपलेट। यह हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। हु इज द सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग द ड्यूक एंड द मैसेंजर एडमायर? पेंटिंग में क्या है, किस किस चीज़ की वो पेंटिंग है जिसको कि ड्यूक भी और मैसेंजर भी एडमायर कर रहे हैं? तो ये वो पेंटिंग किस चीज़ की है? ड्यूक्स मदर, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ड्यूक्स लेट वाइफ, या एन अनरिक्वेटेड लव ऑफ द ड्यूक्स। तो वो पेंटिंग है ड्यूक्स की वाइफ की, ड्यूक्स लेट वाइफ। व्हाट फीचर ऑफ द पोर्ट्रेट इज मोस्ट स्ट्राइकिंग? उस पोर्ट्रेट की जो पोर्ट्रेट बनी हुई है, जो पेंटिंग बनी हुई है, उसकी कौन सा फीचर है जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग है? तो दैट वॉज हर आईज, वो उसकी आँखें है। हु नैरेट्स द पोयम? यह पोयम कौन नैरेट कर रहा है? एन ओमनिसेंट स्पीकर, द ड्यूक, द कैसल बटलर, या हिज विजिटर। तो जो ये पोयम नैरेट कर रहे हैं वो ड्यूक है, द ड्यूक, जिनकी वाइफ की पेंटिंग लगी हुई है और वो अपनी वाइफ के बारे में ही बता रहे हैं। वट बोदर ड्यूक अबाउट द डचेस स्माइल? जो उनकी वाइफ थी डचेस, उसकी स्माइल जो थी वो उसके मतलब क्या रीज़न था कि जो ड्यूक थे वो उससे खुश नहीं थे, वो परेशान रहते थे डचेस की स्माइल से? इट वॉज़ टू ईजीली गिवन टू एनी वन, इट वॉज फॉल्स, इट वॉज क्रूक्ड, इट वॉज नेवर रिजर्व फॉर हिम। तो वो परेशान रहते थे क्योंकि इट वॉज नेवर रिजर्व फॉर हिम, क्योंकि जो डचेस थी वो बहुत ही इनोसेंस थी और वो सबको देख कर ही स्माइल कर देती थी। तो इसीलिए जो है वो छोटी छोटी बातों पर स्माइल कर देती थी, छोटी छोटी चीज़ों पर वो खुश हो जाया करती थी। तो इसीलिए जो है ड्यूक नाराज़ रहते थे कि उसकी स्माइल केवल उन्हीं के लिए होनी चाहिए। ऑफ़ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट वन ऑफ द ड्यूक कंप्लेंट अगेंस्ट द डचेस? ड्यूक को जो है डचेस से काफ़ी सारी कंप्लेंट्स थी, तो इनमें से कौन सी कंप्लेंट थी जो ड्यूक को नहीं थी? तो वो थी नॉट बींग अवेलेबल टू हिम एट ऑल टाइम्स। बाकी सब जो राइडिंग है, वाइट म्यूल, इनोसेंस, नॉट ब्रिंग टू डिस्टिंक्स बिटवीन मैन फॉर कॉमन मैन, ये सब जो है कंप्लेंट ड्यूक को अपनी वाइफ से थी। वॉट इज़ द वर्ड मेंटल एज यूज इन द पोयम? हर मेंटल लोप्स ओवर माई लेडीज रिच टू मच। जब वो बोलते हैं कि हर मेंटल लोप्स ओवर माई लेडीज रिच टू मच, तो इसमें मेंटल का मतलब क्या है? तो मेंटल का मतलब है इसमें ए क्लॉक।
वेयर डज द पोएम टेक प्लेस, यह पोएम की सेटिंग कहाँ हुई है, कैनेडियन फ्रांस में, फेरारा इटली, एम्बर्ग जर्मनी या कार्डिफ इंग्लैंड। तो ये जो है ये फेरारा इटली, क्योंकि जो वो ड्यूक थे वो फेरारा के थे, द ड्यूक ऑफ फेरारा। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का स्ट्रक्चर क्या है, राइम्ड आयमिक पेंटामीटर, फ्री वर्स, अनराइम्ड आयमिक पेंटामीटर, अनराइम्ड आयमिक टेट्रामीटर। तो जो इस पोएम का स्ट्रक्चर है डेट वॉज राइम्ड आयमिक पेंटामीटर, ये राइम्ड आयमिक पेंटामीटर में लिखी गई है। हाउ वुड द टोन ऑफ द पोएम बेस्ट टू बी डिस्क्राइब्ड, इस पोएम की टोन किस कैसी थी, हम कैसी कह सकते हैं, मिस्चीवियस है, आयरनिक है, अनसेटिंग है या पैम्पस है। तो इस पोएम की जो ओवरऑल टोन रही है वो अनसेटिंग रही है। टू होम इज द ड्यूक इज स्पीकिंग इन द पोएम, पोएम में जो ड्यूक है जो नैरेट कर रहे हैं, जो अपनी वाइफ के बारे में बातें कर रहे हैं, तो वो किससे बातें कर रहे हैं, वो किसको बता रहे हैं, अपनी डचेस के बारे में। तो द मैसेंजर ऑफ ए नेबरिंग काउंट, एक पड़ोस के जो काउंट है उनका मैसेंजर उनके पास आया हुआ है और ड्यूक उन्हीं से जो है अपनी वाइफ के बारे में बता रहे हैं। इन पोएम वेयर डज द ड्यूक कीप द पेंटिंग ऑफ हिज वाइफ, पोएम में जो ड्यूक ने अपनी वाइफ की पेंटिंग को कहाँ पर रखा है, इन हिज बेडरूम, इन द मिडल ऑफ द रोड, ऑन ए लैंडिंग ऑन द ग्रैंड स्टेयरकेस, या नन ऑफ दिस। तो उन्होंने जो है उस पेंटिंग को स्टेयरकेस पर यानी कि सीढ़ियों के ऊपर लगाया हुआ है, ऑन ए लैंडिंग ऑन द ग्रैंड स्टेयरकेस। हु इज़ द नैरेटर ऑफ द पोएम, इस पोएम के नैरेटर कौन है, तो ड्यूक ऑफ फेरारा, ड्यूक ऑफ फेरारा जो है इस पोएम के नैरेटर हैं। वेयर इज़ द डचेस, हु इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम, इस पोएम की जो सब्जेक्ट है डचेस जिसके बारे में बातें की जा रही है वो कहाँ पर है, इन द रूम, सी इज़ वेटिंग विद द रेस्ट ऑफ द ड्यूक्स कंपनी, सी हैज़ बीन बैनिश्ड ऑफ द कैशल, सी इज़ डेड। तो जो ये डचेस है सी इज़ डेड, तो वो मर चुकी है। वॉट इज़ मीन बाय द फेराज ए स्पॉट ऑफ जॉय, ए स्पॉट ऑफ जॉय फेराज का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है ब्लश। वॉट इज़ द ड्यूक प्लानिंग व्हाइल नैरेटिंग द पोएम, जब ये पोएम जो है ड्यूक नैरेट कर रहे हैं तो उस वक्त उनकी प्लानिंग क्या थी, वो क्या प्लान कर रहे थे, ए हंटिंग ट्रिप एंड एक्सपेडिशंस, कमिशनिंग ए स्टेट ऑफ हिज वाइफ, या ए न्यू मैरिज। तो उस वक्त जो वो प्लानिंग कर रहे थे वो एक न्यू मैरिज की प्लानिंग कर रहे थे। वॉट इज़ द ड्यूक अरेंजिंग इन माई लास्ट टचेस, माई लास्ट टचेस में ड्यूक क्या अरेंज कर रहे थे, किस चीज़ की तैयारी में लगे थे, तो ए न्यू मैरिज फॉर हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 26, वॉट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ माई लास्ट टचेस, माई लास्ट टचेस में क्या राइमिंग स्कीम है, तो ये एंजेम्ड ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, एंजेम्ड ब्लैंक वर्स। फ्रा पेंडोल्फ इज़ ए फिशिशियस नेम ऑफ, फ्रा पेंडोल्फ जो है किसका नाम है, फ्रा पेंडोल्फ जो एक फिशिशियस कैरेक्टर है इस पोएम में, तो वो एक पेंटर है जिन्होंने माय लास्ट डचेस यानी कि डचेस की पेंटिंग बनाई है। क्लोज ऑफ इंसबर्ग इज़ आल्सो ए फिशिशियस नेम ऑफ, ए क्लोज ऑफ इंसबर्ग कौन है, डेट ही इज़ ए स्कल्प्टर। दिस पोएम इज इंस्पायर्ड बाय ए ट्रू स्टोरी, व्हाट वाज द नेम ऑफ ड्यूक, ये जो पोएम है ये इंस्पायर है एक ट्रू स्टोरी से, मतलब जो इस पोएम में बताया गया है ड्यूक वो सच में कोई रियल में कोई ड्यूक था और सच ऐसे ही उसने जो है अपनी वाइफ को मरवाया था, तो उस ड्यूक का क्या नाम था, तो डेट वॉज लॉर्ड अल्फोंसो सेकंड। व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल विद हुम अल्फोंसो गॉट मैरिड, और उस लड़की का क्या नाम था जिससे अल्फोंसो की शादी हुई थी, जिसके बारे में यह पोएम लिखी गई है डचेस के बारे में, तो उसका नाम था लुक्रेजिया मेडिसी। व्हाट वाज द एज ऑफ लुक्रेजिया व्हेन सी गॉट मैरिड, किस एज में जो है लुक्रेजिया की शादी हुई थी, तो लुक्रेजिया उस वक्त केवल 14 ईयर्स की थी जब उसकी शादी ड्यूक से हुई थी, और जो ड्यूक थे अल्फोंसो ड्यूक वो 25 ईयर्स के थे यानी कि उनसे लगभग 11 ईयर्स वो ओल्डर थे। इन विच एज लुक्रेजिया डाइड, और लुक्रेजिया की डेथ किस एज में हो गई थी, वो केवल 17 ईयर्स थी जब उनकी डेथ हो गई थी आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ हर मैरिज। When was this poem published second time? यह poem second time कब published हुई थी, जो यह poem है My Last Touches ये तीन बार published हुई है, first time ये 1842 में हुई थी और second time ये published हुई थी 1849 में।
सेकेंड टाइम इट वॉज़ पब्लिश्ड इन, और सेकेंड टाइम ये कौन सी बुक में पब्लिश हुई थी? जो फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुई थी ये ड्रामेटिक लिरिक्स में हुई थी, और सेकेंड टाइम जब ये पब्लिश हुई थी 1849 में तो ये हुई थी ड्रामेटिक रोमांसिस एंड लिरिक्स में। और इसको जो टाइटल माई लास्ट टचेस मिला था वो भी इसी टाइम मिला था जब वो सेकेंड टाइम पब्लिश हुई थी, क्योंकि इससे पहले उसका टाइटल कुछ और था। थर्ड टाइम इट वॉज़ पब्लिश्ड इन, और थर्ड टाइम ये कब पब्लिश हुई थी? तो थर्ड टाइम ये पब्लिश हुई थी 1863 में, 1842, 1849 और 1863, ये तीन बार पब्लिश हुई थी। और थर्ड टाइम इट वॉज़ पब्लिश्ड इन, थर्ड टाइम ये किस बुक में पब्लिश हुई थी? तो ये पब्लिश हुई थी ड्रामेटिक रोमांसिस में। फर्स्ट टाइम ये ड्रामेटिक लिरिक्स में, सेकेंड टाइम ड्रामेटिक रोमांसिस एंड लिरिक्स, और थर्ड टाइम ड्रामेटिक रोमांसिस में। वट वॉज़ द टाइटल ऑफ द पोयम वैन इट वॉज़ फर्स्ट पब्लिश्ड? जैसा कि बताया है कि जब ये सेकेंड टाइम पब्लिश हुई थी, जब इसका नाम पड़ा था माई लास्ट डचेस, लेकिन उससे पहले जो है इसका टाइटल था वो ये नहीं था, तो इसका टाइटल था इटली। विच अमेरिकन पोइट रोट द सीक्वल ऑफ दिस पोयम? इस पोयम का सीक्वल भी जो है एक अमेरिकन पोइट ने लिखा है, तो उन अमेरिकन पोइट का क्या नाम था, किसने जो है इस पोयम का सीक्वल लिखा है? तो वो थे रिचर्ड हॉवर्ड। नेक्स्ट, रॉबर्ट बर्नार्ड रोट ए शॉर्ट स्टोरी विच इज टेक ऑफ ऑन दिस पोयम विद ए न्यू ट्विस्ट। रॉबर्ट बर्नार्ड ने भी जो है एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है इसी पोयम के ऊपर, जिसमें एक न्यू ट्विस्ट है, तो उसकी स्टोरी का क्या नाम था? माई लास्ट वाइफ, माई लास्ट गर्लफ्रेंड, माई लास्ट स्टोरी, माई लास्ट पोयम, तो उनकी शॉर्ट स्टोरी का नाम था माई लास्ट गर्लफ्रेंड। When was the Duke's? When the Duke said, "My gift of a 900 years old, what was that?" तो जब ड्यूक बोलते हैं कि my gift of a 900 years old, तो वो बोलते हैं name के बारे में, अपने नाम के बारे में। My gift of a 900 years old name with anybody's gift, who would stoop to blame? What is the setting of the poem? इस poem की setting कब हुई थी? इस poem की setting क्या है? तो वो Italian Renaissance है। What piece of art the Duke saw to the emissary at the end of the poem? एंड में इस पोयम के क्या जो आर्ट का पीस है वो ड्यूक दिखाता है, वो क्या है? ए ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नेपच्यून, तो ए ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ आर्टेमिस, ए ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अपोलो, ए ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ हीरा, तो जो वो लास्ट में दिखाता है ड्यूक, तो वो है ए ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नेपच्यून। नोटिस नेपच्यून दाउ टेमिंग, ये लाइन है इस पोयम की, जब वो नेपच्यून की पेंटिंग जो है दिखाता है, तो वो दिखाता है कि नोटिस नेपच्यून दाउ टेमिंग ए सी हॉर्स। थॉट ए रेयरिटी विच क्लॉज ऑफ इंसबर्ग कॉस्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, यानी कि वो अपनी दिखाता है कि जो क्लॉज ऑफ इंसबर्ग है उन्होंने ही इस स्टैचू को मेरे लिए बनाया है। हु हैज़ मेड स्टैचू ऑफ नेपच्यून फॉर द ड्यूक, तो इसका आंसर है क्लॉज ऑफ इंसबर्ग। द मेन थीम ऑफ द पोयम इस पोयम की मेन थीम क्या रही है? जेंडर इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, रेशियल इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, रिलेशनशिप इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, या हेरिटेज ऑफ ड्यूक। तो इस पोयम की जो मेन थीम है तो डेट इज जेंडर इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। नेक्स्ट, व्हाट डज द ड्यूक से सी गेव टू अदर मैन द सेम एज हिम। ड्यूक जब कहते हैं कि वो दूसरों को भी वही देती थी जो मुझे, तो उसका तात्पर्य क्या है? क्या वो कहना चाहते हैं मच द सेम लुक, मच द सेम स्माइल, मच द सेम रिस्पेक्ट, मच द सेम टाइम? तो वो क्या था? सेम लुक था, सेम स्माइल थी, सेम रिस्पेक्ट थी, या सेम टाइम था? तो वो थे सेम स्माइल, मच द सेम स्माइल। नेक्स्ट, ऑल स्माइल स्टॉप्ड मोस्ट प्रोबेबली मीन्स, जब ड्यूक कहते हैं कि ऑल स्माइल स्टॉप्ड, कि जो स्माइल्स थी उसकी, जो उन्हें बदर करती थी, जो उन्हें परेशान करती थी, वो सब रुक गई, तो इसका मतलब क्या है? वो क्यों रुक गई? सी स्टॉप्ड फ्लर्टिंग, सी स्टार्टेड टू पे अटेंशन टू हिम, सी वॉज अपसेट बाई हिज एटीट्यूड, या सी वॉज किल्ड। तो इसका आंसर होगा सी वॉज किल्ड। नेक्स्ट, द ड्यूक हेट्स हिज, ड्यूक किस चीज़ से नफरत करते थे? हिज पोर्ट्रेट गैलरी, हिज वाइफ्स जेनरस नेचर, हिज सर्वेंट्स, या नोबडी। तो ड्यूक जो नफरत करते थे वो अपने वाइफ के नेचर से नफरत करते थे, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी वो बहुत इनोसेंट थी, उनका जो नेचर था वो जेनरस था, वो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर खुश हो जाया करती थी, तो इसीलिए जो है ड्यूक उनसे नफरत करते थे।
द पोर्ट्रेट ऑफ द लास्ट डचेस इज पेंटेड इन, जो लास्ट डचेस की पोर्ट्रेट थी वो कितने दिनों में पेंट हो गई थी, कितने दिन लगे थे पेंटर को उसे बनाने में, तो वन डे, एक दिन, केवल एक दिन में ही उसने उसकी पेंटिंग तैयार कर दी थी। Then all smile stopped together. Who called this line a tragedy in five words? किसने बोला है कि जो ये लाइन है then all smiles stopped together, ये पांच शब्दों में एक ट्रेजडी है, तो ये बोला था रॉबिन्सन ने। द पोर्ट्रेट ऑफ द सी गॉड इज मेड ऑफ, जो सी गॉड दिखाए गए हैं नेपच्यून, उनकी जो पोर्ट्रेट थी वो किससे बनी है, तो वो बनी है ब्रॉन्ज से। Who brought the duchess a gift ऑफ चेरीज, डचेस के लिए एक गिफ्ट ऑफ चेरीज, चेरीज का गिफ्ट जो है कौन लेकर आया था, ड्यूक, सम ऑफिशियस फूल, द काउंट या नोबडी, तो इसका आंसर होगा सम ऑफिशियस फूल। ड्यूक इज, ड्यूक कैसे थे, जेंटल थे, काइंड हार्टेड थे, ब्रेव मैन थे या ग्रीडी एंड क्रूएल थे, तो जो ड्यूक थे वो ग्रीडी और क्रूएल थे, क्योंकि उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को मरवा दिया था और अब वो शादी करना चाहते थे और शादी में भी जो है वो बहुत ज़्यादा लालची थे, वो मतलब चाहते थे कि जो उन्हें जो है डॉवरी भी मिले, हालांकि वो ऊपर से दिखा रहे थे कि उन्हें डॉवरी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो इनडायरेक्टली वो बोल रहे थे कि उनको डॉवरी